हाय 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 पारुल मिश्रा जी का इस ब्लॉग में स्वागत है। विश्वजीत के ब्लॉग्स में मैं पहली बार आ रही हूँ। पहली बार आई तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड। तो हम लोग जा रहे हैं श्रीलंका और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं प्रसाद, चेतन और प्रथमेश का। तो दिस इज़ मुंबई, दिस इज़ 17th of March। अभी होगा रात की 3 बजे की फ़्लाइट है, सुबह की 3 बजे की फ़्लाइट है और अभी बजे हैं 11:30। अभी अपने प्रसाद भाई आ रहे हैं वहाँ पर। ये आ गए भैया। अरे ये तो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे अब मैं अपने घुमा रहा हूँ। अरे आ गए। प्रसाद जी आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। पहली बार प्रसाद परसनाइक जी, इट्स एन ऑनर। एवढी गर्दी असते ना, ट्रॉली घेऊन तर जायलाच येत नाही। फुल ब्लॉगिंग होने वाली है, फुल ब्लॉगिंग। ये देखो तुम लोगों का शूट किया मैंने। तो बेसिकली देखना है कि कहाँ पर है। दिस आर ऑल इंटरनेशनल डिपार्चर्स। अपना है कोलंबो UL, ऐसे कुछ फ्लाइट है। हाँ वो रही 310 की है, सी पे। क्या बात है। हेलो। अरे भाई, अरे भाई। कैसा है? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। चेतन का भी आज डेब्यू है अपने इस पे। हमारे आखिरी महारथी प्रथमेश धुमाल जी आ चुके हैं। ये है प्रथमेश जी। मुझे पकड़ा दिया गया है तो क्यों ना मैं अपना शूट करूं। आपली UL श्रीलंकन एयरलाइंस। हाँ इधर ही है, C1 to C4 लिखा है। चेक इन हो चुका है और अब हम चले इमिग्रेशन के लिए। काफ़ी स्मूथ था, हम लोग पहले ही जाके खड़े हो गए थे। बहुत जल्दी आ गए थे। तो नाउ वी आर हेडिंग टू द इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक, उसके बाद गेट पे जाएंगे। क्या क्या पूछा? मेरे को पूछा कि किस लिए नहीं, वीज़ा तो मेरे हाथ में ही रह गया। पूछा किधर जा रहे हो? तेरे को नहीं पूछा होगा ना। तो बेसिकली लिटरली 45 मिनट्स इमिग्रेशन में जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड फिर अभी चलते हैं गेट के पास, अगर टाइम होगा तो लाउंज में खाएंगे, वरना सीधा गेट पे चले जाएंगे। लेट्स सी व्हाट न्यूज़। क्या पूछा? कहाँ जा रहे हो आप? तो हमने बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग बोले हम लोग हाँ, तो वो बोले विश्वजीत भाई को सब चलता है। विश्वजीत भाई अंदर, वो अभी राम सेतु से आने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी बच चुके हैं 2:10, गेट नंबर 78 पे है और 2:10 पे अपना बोर्डिंग है। इट्स ऑलमोस्ट 2:10, अभी कभी भी किसी भी वक्त बोर्डिंग स्टार्ट हो सकती है। अपने प्रसाद भाई हर एक फ्लाइट पे नया हेड पिलो लेते हैं, है ना? शॉपिंग कर रहे भाई लोग। पारुल जी ने भी शॉपिंग करी, प्रसाद जी भी शॉपिंग कर रहे हैं। अभी जाके बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, वैसे तो लेट स्टार्ट हुई है। 2:10 की बोर्डिंग थी, 2:35 हो चुके हैं। बोर्डिंग तो लिटरली 25 मिनट्स लेट स्टार्ट हुई है। देखते हैं अभी आगे जाके क्या होता है। सब लोग अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। रात का टाइम बहुत ही मतलब स्ट्रेनियस हो जाता है यार, ये 3:15 की फ़्लाइट मतलब। This is the first time in Sri Lanka and और एक country tick off हो चुकी है इसकी। एक we have a concert tonight, we are all set, sound check in the afternoon and शाम को 8 o'clock we're gonna rock the stage। मेरी शादी हो चुकी है, इसकी शादी हो चुकी है, इसकी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है, इसकी बाकी हो जाएगी। इसलिए इसको इधर लेके आए हम ना। UL 142 है, बेल्ट नंबर 2 पे आ रहा है। तो हम लोग भाई आ चुका है, अपना सामान आ चुका है प्रसाद भाई। सो पहली बार हम लोग श्रीलंका आए एंड लकीली सब सामान आ चुका है। Nothing to declare. चेतन को कुछ डिक्लेयर करना था लेकिन शर्मा रहा है, वो कर नहीं पा रहा है डिक्लेयर। अभी तो मेरा फोन तो चल नहीं रहा है और यहाँ पर वाईफाई है तो बाहर है पता नहीं। क्या है भाई, नाम दिख रहा है क्या? श्रीलंका
वेलकम टू श्रीलंका. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. वेलकम टू श्रीलंका. थैंक यू सो मच. तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल और 8:30 हो चुके हैं. पूरी रात ट्रैवल हुआ है. अभी बहुत बेकार वाली नींद आ रही है. एंड वी हैव रीच्ड द होटल. इट्स होटल सीगेट. बहुत ही कलुतरा नाम का एरिया है. बहुत ही अच्छा है. और इसके बाद हम दूसरे होटल में जाने वाले हैं. बट राइट नाउ वी आर हियर बिकॉज वी हैव चेक इन अर्ली बिकॉज तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट थोड़ा सा आराम करके देन वील गो टू द नेक्स्ट होटल. एंड बट राइट नाउ इट्स सो ब्यूटिफुल. यू कैन लुक सी इट्स बैंग ऑन द बीच एंड द वाटर इज सो क्लोज. इट्स कलुतरा एरिया. इट इज़ अमेजिंग. बट बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ. सब लोग ही बहुत ज़्यादा. अभी बस थोड़ी सी नींद बहुत ज़रूरी है, एक 2-3 घंटे की. फिर साउंड चेक है. फिर बहुत दिन फिर चालू हो जाएगा. बट राइट नाउ वी नीड टू क्रैश. बिफोर दैट आई वुड लव टू शो यू द रूम. बहुत ही प्यारी सी रूम है. वेरी नाइस. वेरी प्रिटी. सो आई एम गोना क्रैश हियर राइट नाउ. और ये यार ये निकाल देता हूँ. ये नहीं चाहिए. बहुत फनी लग रहा है. तो या दिस इज़ वेयर आई एम गोना क्रैश. एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग नाइट. और सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसलिए सोते हैं और फिर मिलते हैं. बाय. किधर जा रहे हैं? साउथ चेक. साउथ चेक. अच्छा और बड़ा दे दो ना. See the property. It's beautiful. It's amazing. So yeah, काम की बात अगर करें तो अभी साउंड चेक है. Hello, going for the sound check. Sound check. Sound check. तो आज का दिन है शो का. और बहुत गर्मी है. बेकार वाली गर्मी है यार. यहाँ पर बहुत खतरनाक वाला गर्म हो रहा है. मतलब 5 मिनट भी नहीं चला गया. Literally escape कर रहे हैं. So yeah, we are all set for the sound check. Kuch hi der mein chalu hone wala hai. This is the gorgeous stage, isn't it? So beautiful. So humne sound check kar liya jaise tese ho gaya honestly. और यहाँ पर आए हैं अभी. दाल राइस ले लिया. थोड़ा सा मिक्स्ड मेन्यू है ऑनेस्टली. लेकिन बहुत भूख लगी है. एंड जैसे आप देख रहे हो कि बेकार वाली गर्मी है भाई. इधर कितनी गर्मी है. तो एक मेरे पीछे जो दिख रहा है वो एक यहाँ पर डाइनिंग एरिया है. एंड अभी डूब जाते हैं इसमें खाने में बिकॉज रेस्ट भी करना है और बाद में शाम को शो भी है. क्या लिया पर? दाल चावल. दाल चावल आलू की सब्जी. दाल चावल पे टूट पड़े. हम किधर भी चले जाएं खाते दाल चावल ही. अभी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ इन दिस होटल जहाँ पर शो है. My room number is 231. Finally. Yay. Nice. The room is nice. Decent room है. थोड़ी सी छोटी है. ठीक है. यहाँ पर अपने सीधा अपने को सी व्यू भी आ रहा है भाई. देखो. Not bad यार. Not bad. थोड़ा सा wrap up करते हैं. टाइम है अभी 3:30 बजे. सोते हैं थोड़ा सा क्योंकि शाम को रेडी होना है. ठीक है. Catch you guys soon. का शो वाज किक-एस. एब्सोल्युटली किल्ड इट. आई मीन दैट इज़ द हाई पॉइंट ऑफ द एनी टूर यू नो. तो काम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और वो कल बहुत कड़क हुआ. एंड सो वी आर सुपर हैप्पी. सो आफ्टर आर ब्रेकफास्ट हम लोग आए हैं थोड़ा सा वॉक करने. दिस इज़ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. ये थोड़ा सा बैक वाटर्स जैसा है यहाँ पर. एंड द रिसॉर्ट इज़ अमेजिंग. द प्रॉपर्टी इज़ आउटस्टैंडिंग.
तो कमाल वाला ब्रेकफास्ट हो चुका है, उसके बाद थोड़ा सा तो वॉक करना बनता है। यू कैन सी द प्रॉपर्टी, इट इज़ अमेजिंग। इट्स इन श्रीलंका कालूतरा एरिया, वी आर राइट नेक्स्ट टू द बीच। लुक हाउ अमेजिंग, गुड टाइम्स। वी आर राइट नेक्स्ट टू द बीच, क्या बात है। ये देखो यार, look at these beautiful trees behind me यार। सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, अपना काम कड़क हो जाता है तब। यू फील रियली नाइस। दिस इज ऑल द पार्ट एंड पार्सल यू नो, बट द मेन थिंग इज वर्क। दो दिन बहुत अच्छे गए। वी आर वेटिंग फॉर द व्हीकल नाउ। 6:30, 6:25 हुए हैं, 6:30, 6:35 निकल जाएंगे। यहाँ से 1.5 घंटा है कोलंबो एयरपोर्ट, सो बेसिकली 8:00 तक पहुँचना है। 11:45 की फ्लाइट है। गाइस ऑल सेट? यस ऑल सेट। तू आने वाला है? नहीं, ये इधर ही रहेगा। इधर ही रहेगा, मैं सब छोड़ने आ रहा हूँ। इनसाइड जोक है ये, हम आपको बाद में शेयर करूंगा मैं कहीं किसी अलग ब्लॉग में। लड़की ढूंढ रखी थी हमने शादी के लिए। अब इनसाइड जोक नहीं रहा, बट वी आर वेटिंग फॉर द व्हीकल नाउ। इट विल बी हियर एनी टाइम। This is a car, na? This is our car. We have reached the airport. सब थक गए लगता है, जाने की खुशी नहीं है। जाने की है शायद खुशी, इधर जाने की, घर जाने की। घर जाने में कौन खुश होता है, सब घूमने के लिए खुश। मजा है लेकिन, शॉर्ट एंड स्वीट था लेकिन अच्छा रहा। वैलिडेट कर रहे हैं। ये प्रसाद भाई तो श्रीलंका या फिर इजिप्ट, एक ही बात है, बाहर ही नहीं निकले, रूम में ही थे। देश डजंट मैटर, स्लीप मैटर्स। 19 नंबर की ऑर्डर है अपनी और हमने बहुत कुछ ऑर्डर किया है बिकॉज बोर्डिंग के लिए अभी और 1 घंटा बाकी है। फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल हमने ऑर्डर किया और अपनी ऑर्डर नंबर है 19 यार। मैं तुम्हारी खुशी दिखा रहा हूँ भाई। ये तो बड़ा सही लग रहा है, देखो टूट पड़ो। फिर वजह क्या हुई? रो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। अंताक्षरी खेलते हुए कई गाने याद आते हैं, इसको याद आ रही है लगभग 10 साल बाद आया होगा ये गाने। लागली ओ ओ जाने जा पूरे बोला है जो भी कसम खाई थी हमने, वादा किया था जो तूने जीवन में लाया था मेरे सभी, क्या तुम्हें ये एकदम थर्ड क्लास। जो भी कसम खाई थी हमने, क्या तुम याद है? हाँ, टिक टिक वन, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक हाय रे हाय, नींद नहीं चाहे, आए माया प्यार भरा मौसम। ना ना करते प्यार, ना वन ना टू ना थ्री, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना कग लेंगे। नाउ वी लैपिंग माय पैसेंजर्स होल्ड 0 नंबर 20 to 28।
इसको गाने अच्छे आते हैं. Finally, we are back to Mumbai. अभी 3 बज चुके हैं और हालत खराब हो चुकी है और नींद इतनी आ रही है अभी भी और you know, बहुत थकान हो चुकी है. बट द डे वॉज अमेजिंग, द शो वॉज ग्रेट, सो एवरीथिंग विच एंड्स वेल इज वेल. और कमाल का शो हुआ एंड वी आर हियर बैक टू मुंबई. तो हमने सो कॉल्ड टूर हमारा ख़त्म किया है एंड एवरी वन हैज़ गॉट देयर बैग्स. जाना रहे परत. तो इनसाइड जोक अब ये इनसाइड जोक नहीं रहा है, सबको पता लग चुका है हम क्या कह रहे हैं. और अगर अक्षता सोच रहे कि क्या है, बट यू हैव टू सी द ब्लॉग फॉर इट. एंड इट वॉज अ वंडरफुल डे. श्रीलंका पहली बार हम लोग सब गए. अक्षता तू गई लेस ना आदि? नहीं, एवरी वन सबका फर्स्ट था. इट वॉज अ वंडरफुल टाइम. तो यहाँ पर अपना सफ़र ख़त्म होता है, लेकिन मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि आई एम गोइंग टू गोवा. इसके बाद मेरी 7 बजे की फ्लाइट है. अभी 3:45 हो रहे हैं. आई एम एट T2 टर्मिनल एंड फॉर्चुनेटली T2 से ही है, तो मुझे 7 बजे की फ़्लाइट पकड़नी है. कल गोवा शो है, मतलब आज गोवा शो है. इट इज़ एक्सट्रीमली हेक्टिक और बहुत थक चुका हूँ, बट द शो मस्ट गो ऑन. तो अभी यहाँ से निकल के मैं P10 जाऊँगा, सिक्योरिटी चेक करके गेट की तरफ जाऊँगा. 7 बजे की फ़्लाइट है. लेकिन ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होगा. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. ठीक है, जल्दी मिलते हैं. बाय, सी यू. सब्सक्राइब करना मत भूलिए.